देन 14,000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और यकीन मानिए मैंने 200 प्लस टेस्ट दिए हैं, मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा। और हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत एंड आई स्कोर्ड 670 मार्क्स इन नीट 24 एग्जाम एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट थ्री टिप्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर नीट एग्जाम। टिप नंबर वन, टू बिल्ड कंसिस्टेंसी आई पर्सनली यूज्ड अलार्म क्लॉक मेथड। सो इस मेथड में क्या था कि जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहा था, क्या होता था कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेता था, दूसरे दिन मैं बहुत कम पढ़ता था, तो इस तरह मेरा पर्सनली क्या हो रहा था कि बार बार रिदम टूट जा रहा था। तो मैंने इस चीज़ को डील करने के लिए, इस चीज़ से डील करने के लिए मैंने क्या किया था कि मान लीजिए आप कोई एक ऐसा बच्चा है जो अभी तक पढ़ना शुरू ही नहीं किया, तो डे वन में उसने माना कि मैं आज सिर्फ पूरे दिन में मैं सिर्फ 4 घंटा ही पढ़ाई करूँगा, दूसरे दिन में मैं 4.5, तीसरे दिन में मैं 5, चौथे दिन में मैं लेट से 5 ही रहता है, पांचवें दिन में उससे 6 होता है, 6 घंटे पढ़ाई करता है, सातवें दिन में वो 8 घंटे, आठवें दिन में वो हो सकता है 8 ही घंटे पढ़ाई करे। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है, इसी से आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। ये आपको क्या करना है, मेरी तरह गलती नहीं करनी कि आपको एक दिन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, दूसरे दिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो अब इस चीज़ से और भी अगर आप बहुत बेसिक लेवल में देखें, तो मैं क्या करता था कि जैसे मान लीजिए आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई करनी, वो मैं 4 घंटे मैं पूरे दिन में इकट्ठा नहीं पढ़ता था कि एक बार में मैं 4 घंटे पढ़ लिया। मैं क्या करता था कि जैसे मान लीजिए मैंने एक एक आवर में डिवाइड किया, मैंने मान लीजिए मैं 9 बजे सोकर उठा, मैं 9 से 10 अब मैं सोचूंगा कि 9 से 10 मुझे सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद मैं 9 से 10 मान लीजिए पढ़ाई किया, फिर उसके बाद 10 से 11 के बीच में मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं 11 से 12 फिर पढ़ा, फिर 12 से 1 मैंने ब्रेक लिया या 1 से 2 भी ब्रेक लिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर मैं 2 से 3 बजे तक पढ़ा, फिर 3 से मैं 4 अगर मेरा मन किया तो मैं 3 से 4। तो मेरा इस तरह मैं पढ़ता था, तोड़ तोड़ के मैं पढ़ता था। तो इससे क्या हुआ कि मैं एक बार में मैंने अंदर ये भी नहीं है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, नहीं, मैं धीरे धीरे स्लॉट्स में पढ़ता था, बेसिकली छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लेता था कि इस स्लॉट्स में मुझे पढ़ना है और अगले वाले स्लॉट्स में मैं ब्रेक लूंगा। टिप नंबर टू, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, और आप ये मत करिएगा कि आप मान लीजिए मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर एक रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन पूरा पढ़ने के बाद आप ये मत करिएगा कि पूरा का पूरा पढ़ लिया आपने चैप्टर और फिर आप उसके न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो आप कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगा लेंगे पर कुछ क्वेश्चंस आप पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं लगाएंगे, बहुत कम लगाएंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी होती है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो आपकी नहीं आ पाती। और हमेशा याद रखिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चन लगाने से बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। और पर्सनली मैं अगर अपने बात करूँ तो मैंने मोर देन 14,000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और यकीन मानिए मैंने 200 प्लस टेस्ट दिए हैं, मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूँगा। और आप ये भी ध्यान रखिए कि जैसे मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे रोटेशनल मोशन में क्या हो गया कि रोटेशनल मोशन में टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और आपका टॉर्क है, आपका प्योर रोटेशन है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो मैं क्या करता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने क्वेश्चन हैं, वेदर इट इज़ इन JEE, नीट हो गया, एम्स हो गया और प्रीवियसली AIPMT, जितने भी क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से रिलेटेड, मैं उन सबको लगाता था। फिर उसके बाद मैं टॉर्क हो गया, टॉर्क में अगला टॉपिक हो गया, तो फिर मैं उस टॉर्क के टॉपिक का सारे के सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स सब कुछ लगाता था। तो इससे क्या होता था कि मैं जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट, मेरा ओवरऑल चैप्टर बहुत अच्छा हो जाता था। और मुझे इसके साथ साथ ये भी पता चल जाता था कि अगर मान लीजिए मुझे कोई टॉपिक नहीं आया तो मुझे ये तुरंत पता चल जाता कि दिस टॉपिक इज लिटिल बिट वीक, तो मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे इससे चैप्टर वीक नहीं लग रहा, मुझे इसमें टॉपिक पता चल गया कि ये टॉपिक मेरा वीक है। तो मुझे एक तरीके से मैं इसकी एक लिस्ट भी बना लो, अगर आप चाहते हो तो एक लिस्ट बनाते चलो कि ये टॉपिक मेरा फंस रहा है बार बार, तो मुझे ये वापस से पढ़ने की ज़रूरत है। टिप नंबर 3 इज कि आपको जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, बायो हो गया, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने तो 1-2 बार सिलेबस ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मैं क्या करता था कि बायो और इनऑर्गेनिक हमेशा पढ़ता था, मतलब डेली पढ़ रहा था।
ताकि मेरा कोई भी छोटा सा छोटा जो पार्ट होता है, जो कि छोटे छोटे टॉपिक हो गया, छोटा छोटा वर्ड हो गया, वो सब मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट जो डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो मिस ना हो। तो मैं बेसिकली जैसे मैंने क्या कर रखा था कि मैंने तुम्हारा बी ब्लॉक जो चैप्टर है उसकी जो एनसीईआरटी की जो लाइन्स है बी ब्लॉक में, उन सबको मैंने शॉर्ट नोट्स में एनसीईआरटी पेजेस की जितने भी बी ब्लॉक में जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको एक शॉर्ट वे में मैंने पेजेस में उतार रखा था ताकि मुझे रिवाइज करने में बार बार दिक्कत ना हो। तो उसको क्या करता था कि मैं डेली 15 मिनट में डेली उसको रिवाइज करता था। तो इससे क्या होता था कि मेरे जो दिमाग से कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा या इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो गया तुम्हारा इनऑर्गेनिक में वो मिस नहीं होता। और सेम इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में जितने भी मान लीजिए आपकी जो फोटोसिंथेसिस हो गया, आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हो गया, ये सब एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स हो गए और मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स हो गए, ये सब जो फैमिलीज हैं ये सब मैं क्या करता था कि मैंने इनका दीवार में अपने बना रखा था। तो ये मेरे दीवार में सब चिपके हुए थे तो मैं उन्हीं को रोज रिवाइज कर लेता था। तो इससे कि सोने से पहले आप अगर चाहते हैं तो रिवाइज कर लीजिए, आपको अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही एकदम शानदार बनाना पड़ेगा ताकि आपको उनको उसको देख कर ही लगे कि हाँ अब मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने भी अपने दीवार पे, मैं आपको इसका वीडियो शेयर कर दूंगा अपने